अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं झिंगे आलू फल्ली का सालन। 1/3 कप नारियल है, फ्रेश नारियल, इसको मैंने पतला पतला काट दिया है। 5 हरी मिर्चियाँ ले ली है, यह हम मिक्सी में डाल देंगे। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे, इसमें पानी डालकर पीस लेंगे बारीक। 1/2 कप तेल गरम हो रहा है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून राय। फ्लेम हाई है, थोड़े कड़ी पत्ते ऐड करेंगे। राय ने स्प्लटर करना बंद कर दिया है, 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे और प्याज को पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। प्याज पिंक हो गई है, अब इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज कटे हुए टमाटर। एक टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 3 टीस्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे सब कुछ। मसाला जो हमने पीसा था, खोपरा, हरी मिर्ची और ज़ीरा पिसा हुआ मसाला इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर गल चुका है, मसाला भी भून चुका है। ये 2 मीडियम साइज कटे हुए आलू है, ये इसमें ऐड कर देंगे। आलू अगर आपको ज़्यादा लेना है, 2 के बदले 4 लेना है, तो आप 4 भी डाल सकते हो। 1/2 किलो सेगट की फली छील दी है, धो दिया है, ये भी मसाले में ऐड कर देंगे। 2 लेमन साइज इमली मैंने भिगो कर रखी है, इसका रस भी मैंने इस तरह से निचोड़ लिया है। अब रस सिर्फ इसमें ऐड करेंगे और पल्प फेंक देंगे। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है तो आप 2 के बदले 1 लेमन साइज इमली लीजिएगा। ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे। नमक कम लग रहा है, नमक ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हाई करके बॉईल ले लेंगे। सालन को अच्छा बॉईल आ गया है, अब हम इसको ढककर रख देंगे सिम पर। फल्ली और आलू गलने के लिए 10 मिनट हो चुके हैं। फल्ली और आलू को डालकर सिम पर रखते हुए 900 ग्राम झींगा है, आप चाहो तो 1 किलो भी ले सकते हो। इस ग्रेवी के लिए 1 किलो भी काफ़ी है। धो दिया है मैंने इसको, साफ कर दिया है। झींगे ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे और इसको सिम पर रख देंगे अभी 5 मिनट के लिए। ढककर 5 मिनट तक सिम पे रख दिया था, ताली ढककर, अब खोल दिया है, गैस ऑफ कर दिया है। झींगे गल चुके हैं। 1/2 कप हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। झींगे आलू फल्ली का सालन तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।